बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, इशू टुडे में मैं हूँ साजिद शाह। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत के साथ मौजूद हैं, हाजी ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि मेंबर हैं कैंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी के। इन्हीं से जानेंगे इनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से, इन्होंने सियासी और समाजी ज़िंदगी का आगाज़ कब से और कैसे किया, किन किन मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा, किस तरीके से अपने इलाके के लोगों के लिए इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, काविशें सर अंजाम दी। बल्दियात में इनकी बहुत सारी काविशें हैं, इन्होंने काम किया अपने इलाके के लोगों के लिए। और आखिर में हम बात करेंगे हालिया जो कोरोना वबा जो इस पूरे मुल्क में फैली हुई है, पूरी दुनिया के साथ साथ इस मुल्क के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी इससे मुतासिर हुए हैं, उस हवाले से जो मुस्तहकीन हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी किस तरीके से इन्होंने मदद की है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपने इलाके के लोगों की मदद के लिए किस तरह की डिमांड्स का मुतालबा करते हैं, कौन सी खामियां, कौन सी कमियां रह गई हैं जिनको ये डिमांड करते हैं कि उसको पूरा किया जाए ताकि लोगों तक उनका हक पहुंच सके। और आखिर में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोरोना वबा के हवाले से स्ट्रेटजी कैसी है, दुरुस्त है या उसमें कोई खामियां पाई जाती हैं, उसमें क्या करेक्शन की जानी है, तो आपको तारुफ करवाते हैं हाजी ज़फ़र इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आपके चैनल और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे ऑफिस तशरीफ़ लेके आए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपने भी यकीनन इस इलाके के लिए इतना काम किया है, काविशें आपकी हैं, एक माशाल्लाह मशहूर शख्सियत हैं, इसी वजह से हमें हुआ कि हम आपसे जाने। सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपने ये जो सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और माशाल्लाह अच्छे सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं, आपने काम किया अपने इलाके के लिए, तो ये क्यों शौक़ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ? देखें जी, मेरे हम क्योंकि आबाई तौर पर इस शोबे से मुंसलिक हैं, मेरे वालिद साहब 79 से इस इलाके में यूनियन काउंसिल एक गर्जा होती थी, फिर उसके बाद यूनियन काउंसिलें मज़ीद बनती गई, उसके चेयरमैन थे। तो मुझे भी शुरू से ही सोशल काम करने का ज़्यादा शौक़ था, सोशल काम और मजहबी हवाले से। तो 98 के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे थे, तो मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए और विदाउट किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था इलेक्शन में। और फर्स्ट टाइम मैंने एक रिकॉर्ड इस इलाके से वोट हासिल करके इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत गया था। उस वक्त से लेकर आज तक बेसिकली तो हमारा जो आबाई अपना जो ताल्लुक है, हमारा मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक है, शुरू से हम पूरा ख़ानदान हमारा मुस्लिम लीग ही है, बाद में भी मैं मुस्लिम लीग के साथ ही रहा। पिछला जो इलेक्शन मैंने 2015 में मैंने कॉन्टेस्ट किया था कंटोनमेंट बोर्ड का, वो भी मुस्लिम लीग नून के ही मैंने प्लेटफॉर्म से किया था। सही। उसके बाद तक जितने भी यहाँ पे क्राइसिस आए या नशेब अफराद आप कह सकते हैं, उसके साथ हम चलते रहे। फिर मेरा ताल्लुक पैदा हुआ चौधरी निसार अली ख़ान साहब के साथ, और उनकी सियासत की वजह से बाज़ हमारी क्योंकि पहचान अभी इस इलाके के अंदर कोई भी बात करेगा ना तो वो यही कहेंगे कि ये चौधरी निसार अली ख़ान ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक है। तो बड़ा मजबूती के साथ हमारा ग्रुप उनके साथ चल रहा है, जहाँ गाय बगाय किसी जगह इलाके के अंदर ये जिस तरह कोरोना वायरस आया, उस वक्त भी चौधरी निसार ने फर्दन फर्दन जो उनके फोकल पर्सन हैं इलाकों में उनको फ़ोन करके कहा कि आप अपने अपने इलाकों के अंदर खिदमात सर अंजाम दें। हम उससे पहले भी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन मज़ीद जब उन्होंने कहा तो और हमारे अंदर एक तमन्नाई पैदा हुई। तो बाकी मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है कोरोना की या मुल्क की, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक वबा आ चुकी है, पूरी दुनिया में जब ये दूसरी जंगे अजीम और टाउन की बीमारी के बाद ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस आया है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। अच्छा सर, मैं वापस इसी तरफ आता हूँ, मैं थोड़ा सा आपसे बैकग्राउंड के थ्रू वापस जानना चाहूँगा।
आपने अभी स्टार्ट में बताया कि मैंने रिकॉर्ड वोट हासिल की है, तो इसके पीछे क्या आपने इलेक्शन में या सियासत में आने से पहले भी सोशल वर्किंग कर रखी थी, या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था जिसकी वजह से लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि आप ट्रस्ट किया, क्या वजूहत थी इसकी? देखिए, मैं जिस इलाके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हूँ यहाँ पर मेरे बरादरी की वोट नहीं है, मेरी जो जितने भी इलाके के लोग हैं वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। मैं बेसिकली सोशल वर्कर हूँ और मज़हबी कामों में बड़ा हिस्सा लेता हूँ बढ़ चढ़ के, चाहे वो मिलाद के काम हो, मसाजिद हों, दीनी अदारे हों, सोशल कामों में किसी जगह पे किसी की मदद करनी, इसी तरह ये सबसे बड़ा इस इलाके का मसला था वो कब्रिस्तान का मसला था। तो मैंने पूरे अपने वार्ड के अंदर, पूरे इलाके के अंदर मुख्तलिफ मोहल्ले गलियों की मैंने कमेटियां बनाकर हमने अपनी ज़मीन डोनेट की हुई है। और ये कब की बात आप कर रहे हैं, इलेक्शन से आने पहले की बात कर रहे हैं या बहुत ये शुरू से? ये जो ज़मीन थी ना, पहले तो हमारी इज्तमाही ज़मीन थी, सही, जिसमें सारे लोग आके जिसकी पोतकी हुई हमसे इजाज़त लेके कवर कर लेता था। बाद में आबादी बढ़ती गई तो फिर जिस तरह मेरे इलाके के अंदर मोहल्ले हैं, गाज़ियाबाद है, मल्ला दारुस्सलाम है, ग्रोटी है, मल्ला शाह फैसल है, खाल मल्ला शाह खालद है, अहमदाबाद है, कद अज़म कॉलोनी है, इसी तरह हमारे ये सात यूनियन कौंसिल के इलाके भी हैं। सब इलाकों की कमेटियां बनाई, उनको अपनी ज़मीन डोनेट की, उन्होंने वहाँ पे अपनी अपनी वहाँ पे चारदीवारी लगाकर उस कमेटी के अंदर रहते हुए जहाँ पे उनका कोई मेम्बरशिप की और जहाँ पर उनको कोई फौत होता है वो वहाँ पर दफन कर देते हैं। अच्छा सर, अब आपने साथ इसके बात की कि चौधरी निसाली खान साहब के साथ आपका एक सिलसिला है, एक ताल्लुक है, बड़े अरसे के साथ प्यार है, वो चल रहे हैं इकट्ठे मिलकर, लेकिन ये आप भी चक्री रोड से हैं रावलपिंडी के इलाके और वो भी चक्री रोड से और चक्री गाँव से उनका ताल्लुक है, तो वो एक आपका इतफाक़ और प्यार तो अपनी जगह पर आ चुके, आप मुस्लिम लीग नून के साथ भी आपका एक रिलेशन है, इस वक्त चौधरी साहब ने चूँकि उनके अख्तलाफात आए और वो साइड पर हो गए और आप भी इस वक्त खामोशी का इजहार कर रहे हैं, तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में? चौधरी साहब का दोबारा रीजॉइन कर सकते हैं नून लीग को, या फिर अगर वो नहीं ज्वाइन करते तो फिर आप क्या, आपका क्या डिसीजन? देखें, सियासत में कोई चीज़ दरफे आखिर नहीं होती, सही है, क़यादत के आपस में नाराज़गियाँ चलती रहती हैं। चौधरी निसार अली खान एक पाए के सियासतदान हैं, ये जब मुस्लिम लीग नून का क़याम हुआ था उसके पहले मेंबरों में शामिल थे, उस वक्त से लेकर आज तक उनका मियां नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ और दीगर जो साथी हैं इनके साथ अच्छा रिलेशन था। बाज़ मामलात ऐसे हुए जिसकी वजह से ये जो नाराज़गियाँ होती हैं सियासत में ये भी चलती रहती हैं, बाज़ दोस्त होते हैं कि वो आपस में उनको मिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो तो सियासी मुखालफत या इख्तलाफ काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आने वाले टाइम में, ये दूरियां कम हो सकेंगी या किसी और पार्टी में जाने का प्रोग्राम है? आज तक उन्होंने ऐसा कहा नहीं, रबते उनके उनके साथ तमाम पार्टियों के रबते हुए किए हैं, बिल्कुल रॉबर्ट साहब बिल्कुल इसमें हैं, लेकिन उनका आज भी मियाँ के साथ, मियाँ साहब के साथ, उनके मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम के साथ इसी तरह रबते मौजूद हैं, किसी वक्त भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। अच्छा, उस पर इंतज़ार करना पड़ेगा कि आप ये समझते हैं चौधरी सोच साहब का जो भी फैसला होगा आप उसको आमीन कहेंगे, चाहे वो नून लीग को दोबारा ज्वाइन करें या ना करें, दोनों सूरतों में? जी, हम जितना भी हमारा ग्रुप है हम सब उनके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम दूसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं, ये जो वबा पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी कंफ्यूज नज़र आ रही है, गवर्नमेंट कभी लॉकडाउन में नरमी कर देती है, टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर ये शोर मचाया जा रहा है कि ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है, WHO की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 लाख जो शरह फैक्ट्रीज की है वो बढ़ सकती है, और उधर दूसरी तरफ नरमी की जा रही है, तो आप क्या समझती हैं कि ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरफ जा रही है? देखिए, यूरोप, अमेरिका और दीगर जो चाइना, जापान या अरब ममालिक से हम मुख्तलिफ हैं, यहाँ पे अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जो दिन को कमाते हैं और रात को खाते हैं, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करती रहती है,
ये भी गवर्नमेंट हमारी ऐसी ये भी करती है तब्दील, कभी कहते हैं जी लॉकडाउन होगा, कभी स्मार्ट की तरफ जाते हैं, कभी कहते हैं कि हमें इसमें थोड़ा सा लोगों का टाइमली काम कर शुरू कर देंगे कि फलां फलां शॉप खुल जाए। लेकिन जितना बुरान पैदा हुआ पाकिस्तान के अंदर मेरी अपनी ज़िंदगी में, मेरे ख्याल में आज तक नहीं पैदा हो सका। बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, मदद के हवाले से सोशल कामों में मैंने अपनी तौर पर भी, हमारी पूरी टीम ने, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इमदाद तो कर रही है, लेकिन अभी भी उसमें सुकम मौजूद है कि को बहुत सारे लोग हैं कि जो सफ़ेद पोश जिनको कहते हैं वो घरों में मौजूद है, इन्फेक्टिस की शरह बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, अभी और मज़ीद बढ़े। गवर्नमेंट की या ऐसा होना था सबके साथ हुआ तो हमारे साथ होना बनता था, क्योंकि इन्होंने जो जिस तरह इनकी पॉलिसी थी, मैं नालायक ही नहीं कहता कि ये कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक चलती है। अभी जो फौरन लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से हमारे जो छोटे दुकानदार हैं उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, और जिनके ज़्यादातर मालकान हैं जो, उनकी आमदनी ज़्यादातर यही थी कि वो किराया वसूल कर के अपना गुजारा करते थे, और उसके आगे जो दुकानदार या उसके हेल्पर थे वो तो सारे मुतासर हो गए, उनका तो कोई रोज़गार नहीं है। उस हवाले से कोई ऐसे जामिया पॉलिसी अभी तक इख्तियार नहीं की गई कि आप एक सर्वे करें कि दुकानदारों का आप लेवल देखें कि किस किस किस्म के दुकानदार हैं। उस हवाले से जिस तरह लोकल मैं अभी फोकल पर्सन हूँ, मेंबर हूँ कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी का, कि मैं भी निशानदेही कर सकता हूँ कि फलां फलां बंदे का इस तरह का कारोबार था, आप इतनी इसकी हेल्प आउट कर सकते हैं, तब जाके ये जो मैं बिल्कुल यही कहना चाहता, ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से टाइगर फोर्स की बात की गई, टाइगर फोर्स बनाई गई है उनके यूनिफॉर्म के ऊपर, उनकी उनकी जो पेट्रोल वगैरह है, बाकी चीज़ें जो उनके ऊपर एक्सपेंस किया जा रहा है, और अभी तक वो टाइगर फोर्स रजिस्टर हो रही है, फिर वो बनेगी जब कोरोना शायद ख़त्म हो जाए तब जाकर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होगी। उसकी जगह पर ये जो ऑलरेडी खिदमत खल्क की फाउंडेशन काम कर रही हैं, जो अपने मदद आपके तौर पर रज़ाकार काम कर रहे हैं, उनको या बलदियाती नुमाइंदों का इस्तेमाल किया जाना मुनासिब नहीं था? देखें, अभी भी किया जा सकता है, जिस तरह लोकल नुमाइंदे हैं और दुकानदारों की अपने तौर पर उनकी अंजमन बनी होती हैं, और हर एक एरिए में ये मौजूदा इलाका भी मौजूद हैं, वो निशानदेही कर सकते हैं। जहाँ पे जहाँ तक ये टाइगर फोर्स का ताल्लुक है या किसी और फोर्स का ताल्लुक है, तो वो बननी चाहिए, इस तरह की लोगों की हेल्प होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ कोई भी चीज़ है वो नज़र आनी चाहिए। अभी लोग ये सवाल करते हैं कि कब ये इमदाद, ये प्रोग्राम शुरू होंगे जिससे हम मुस्तफीद हो सकें, इस वजह से डिले का शिकार होता जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर इन दिनों में, चूँकि WHO ने वार्न कर दिया है तो 2 लाख की फिगर दे दी है, जबकि उधर पार्क्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है, पार्शली कारोबार खोलने की SOP की इजाज़त दे दी गई है, तो फौरी तौर पर हंगामी तौर पर हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि इस चीज़ से बचा जा सके? देखिए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एक पाबंदी लगाए, जिस तरह भी एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा है या गाड़ी वाला जा रहा है, हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ जगह पे पिकेट्स लगी होती हैं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, उस पर थोड़ी सी सख्ती करवाएं। अभी किसी बाज़ार में चले जाएँ, किसी स्टोर पर चले जाएँ, किसी जगह पर भी अगर 10 बंदों ने मास्क पहना है तो 50 ने नहीं पहना होता है। अगर मास्क का इस्तेमाल करते हुए, वो सोशल डिस्टेंस जो इन्होंने रखी है उसको इस्तेमाल करते हुए काम करें तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं जो WHO की जानिब से या इनके खुद इनकी जानिब से जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है उस पर अमल दरामद की कमी है, अमल दरामद नहीं हो रहा है, वो तो बार बार कहा जा रहा है मास्क इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस रखें, मस्जिद में ना जाएँ, घरों में बैठे हैं, क्वारंटाइन हो जाएँ, लेकिन इसके बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये भी हुकूमत की एक नालायकी है। देखिए, इतने सारे काम हुकूमत अकेले नहीं कर सकती, उसको लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, खाली अपनी पार्टी पे मुनसर नहीं करना चाहिए, बाकी लोगों के साथ बातचीत करके जिम्मेदारियां तकसीम करनी चाहिए। आज ये कहा गया जी कि मस्जिद बंद कर देनी चाहिए, तो मस्जिद ही वाहिद
आज हमारे पास एक जगह है जहाँ पे हम अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर सकते हैं। मस्जिदों के अंदर मैं खुद शाम को जाता हूँ तरावी पढ़ने के लिए अपनी मस्जिद में, वहाँ पे वो जो सोशल डिस्टेंस इन्होंने बताई है उसके मुताबिक नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं। ये मेरे ख्याल में दुनिया में जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वक्फे में खड़े होकर नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं। नहीं तो पहले तो कहते थे कंधे के साथ कंधा मिलना, लेकिन आज अगर ये पॉलिसी पे अमल किया जा रहा है तो इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है कि जो मसाजिद कमेटियाँ हैं या लोकल नुमाइंदे हैं उनसे कहें जी कि जो मसाजिद के अंदर लोग आ रहे हैं वो भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि मैं एक बात का इजाफा करना चाहता हूँ, मसाजिद के अंदर अक्सर लोग आते हैं कि जो क्योंकि इफ्तारी के बाद कई लोगों के गले ख़राब होते हैं, खांसते वगैरह हैं, तो मास्क अगर उनके मुंह पे होगा तो किसी को असर नहीं पड़ेगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा से दूर रहना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये अब आप मेंबर हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, बल्दियात में काम कर रहे हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारी इस्लाहात की जा चुकी हैं, मज़ीद की जानी ज़रूरी हैं। लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी राजा बशारत साहब से जो वज़ीर कानून पंजाब के, तो उन्होंने कहा था हम इस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा बिल्स हम लेके आ रहे हैं इस्लाहात के हवाले से, खासतौर पे बल्दियात के ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। फिर कुछ अर्से के लिए उन्होंने उसके इम्प्लीमेंटेशन भी किया लेकिन शायद वो कामयाब नहीं हो, उसमें कुछ ऐसे नकाइज थे जिसके बाद उसको रिवर्स कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि बल्दियात को जो फ़ाल करने में गवर्नमेंट सिंसियर है या खामोशी करके वक्त गुजार रही है? देखिए इसमें ये था कि पहले लोकल बॉडीज़ मौजूद थे, फौरी तौर पर उनको बहाल करके उनसे काम लिया जाता। इन्होंने जो अमेंडमेंट्स करनी है बिल्कुल ज़रूर करें, लेकिन जब ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता फिर उसके बाद इस पर अमेंडमेंट्स करके आपने अगर बल्दियाती इदारों के अंदर कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं तो वो लेके आएँ, लेकिन अभी तो सारा निज़ाम ही स्टक है। जो बल्दियाती इदारे काम कर रहे थे उन्होंने उनको आपने बेजान कर दिया, और आपके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि जिससे आप लोगों के पास पहुंच सकें। खाली ज़बानी कलामी दावों से तो कुछ नहीं होगा, अमली तौर पर एक टीम की सूरत में बाहर निकलना चाहिए और एक कौम नज़र आनी चाहिए। सही है, ये फुकदान है। हाँ। अच्छा आखिरी मरहल के जाने पड़ेंगे, आप अपने इलाके में इन दिनों में काम कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं मुस्तहकीन तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट के जो पैकेजेस हैं मुस्तहकीन तक सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंच पा रहे हैं उस तरीके से? देखें जी ये सबसे बड़ा सवाल है कि सफ़ेद पोश कौन होता है। सफ़ेद पोश तो घर से बाहर भी नहीं निकलेगा और पड़ोसी से भी नहीं मांगेगा, उसकी निशानदेही बहुत मुश्किल होती है। कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जो अभी एहसास प्रोग्राम का चल रहा है, एहसास प्रोग्राम में ज़्यादातर वो लोग रजिस्टर्ड थे पहले से बेनज़ीर प्रोग्राम के, बिल्कुल वही डाटा कलेक्ट किया गया, वही डाटा है, उसके मुताबिक ज़्यादा लोगों के पैसे आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं लोगों को। लेकिन अभी जो गली मोहल्ले के अंदर लोग हैं उनसे मैं जब पूछता हूँ, सवाल करता हूँ आपको कोई पैसे मिले, कहते नहीं मिले, क्योंकि हर एक बंदे को तो पैसे मिल ही नहीं सकते। इसके लिए ज़रूरी था कि आप मोहल्लों के अंदर अगर सोशल अपने बल्दियाती नुमाइंदे आपने ख़त्म कर दिए या जो हैं उनसे रबता करें, नहीं तो आपके हर एक गली मोहल्ले के अंदर मसाजिद कमेटी मौजूद है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं सफ़ेद पोश लोग, वो मस्जिद में ज़रूर आते हैं, मस्जिद कमेटी वालों को ज़रूर पता होता है कि इस मोहल्ले के अंदर कौन कौन सफ़ेद पोश है, किसको मदद मिलनी चाहिए। ये बड़े अहसन तरीके से काम सर अंजाम पाया जा सकता है, और इसके लिए ये अगर काम करें तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सदका जारिया होगा। लेकिन आप नहीं समझते कि ये कहना शायद बेजा भी नहीं है, और बात समझने की जरूरत है कि जब ईद बकरीद होती है तो उस वक्त खाले इकट्ठी की जाती हैं, वो कुछ पैसा मसाजिद पे भी लगता है और वो करप्शन भी होती है उसमें, तो शायद गवर्नमेंट इस पर एतबार नहीं कर रही है, मसाजिद की मसाजिदी कमेटियाँ हैं उनके ऊपर एतबार नहीं कर रही है, और वो खुद ही इसलिए टाइगर फोर्स बनाकर किसी तरीके से इसको शफाफ करने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है? देखिए जो मसाजिद कमेटियाँ होती हैं वो मोहल्ले के लोगों पर मुश्तमिल होती हैं,
जो खालें गठी की जाती हैं वो मदरसों के लोग गठी करते हैं। मदरसा और मस्जिद में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो भी काफ़ी अरसे से खालें गठी करने पर भी पाबंदी है। अब तो वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो मस्जिद कमेटी का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मैं खुद इन कामों में इन्वॉल्व हूँ, मुझे हर गली मोहल्ले का पता है कि इस इलाके में जितनी भी मस्जिद हैं तकरीबन मेरे साथ लोग रिलेटेड होते हैं, मैं क्योंकि उनके पास जाता रहता हूँ। मस्जिद के अंदर कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता, उसमें सारी पार्टियों के नुमाइंदे शामिल होते हैं, जो कमेटी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपको बेहतर लोगों का इंतखाब करके बता सकते हैं कि इस मोहल्ले के अंदर ये लोग ऐसे हैं कि जिनको मदद की ज़रूरत है या इनके पास मदद नहीं पहुँच सकी। हम लोग खुद भी, मैं खुद ज़ाते खुद, मैंने जो अपनी इस इलाके के अंदर लोगों को हेल्प आउट किया है, मैंने मसाजिद के ज़रिए किया है। वहाँ पे जो ज़कात कमेटियाँ थी या सोशल कमेटियाँ थी उनसे रबता करके, इसी तरह मिलाद कमेटियाँ भी थी, मैंने कहा आप अपने अपने लोगों की मुझे लिस्ट दें। फिर हमने उसको वेरीफाई करके खामोशी के साथ उन तक इमदाद अपनी पहुँचा दी। यही अगर सिलसिला सारे लोग करें तो सफ़ेद पोश लोगों की काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है और घर बैठे उनको अपना भरम भी रखने का मौका मिल सकता है कि वो किसी के सामने हाथ ना फैला सकें। अच्छा, आखिर में बता दीजिएगा कि अभी ये पीटीआई गवर्नमेंट ने, चूँकि ये हंगामी सूरत हाल शायद किसी गवर्नमेंट के साथ कभी नहीं हुई, पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ, जैसे आपने खुद से कहा, तो अगर इसी टाइम में यही इसी पीरियड के अंदर अगर नून लीग की गवर्नमेंट होती तो वो कैसी पीटीआई से बेहतर डिलीवर कर पाती? देखें, जहाँ तक कोई भी गवर्नमेंट होती उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ता। हाँ, अगर नून लीग की गवर्नमेंट होती तो उनके लोकल बॉडीज़ मौजूद थे जो अब ख़त्म हो गए हैं। इनको चाहिए, पीटीआई गवर्नमेंट को मैं एक मशवरा देता हूँ कि ये खाली अपने वर्करों पे मुनसर ना करें, बाकी जो लोग हैं वो भी आपके अपने हैं, आप एक टीम बनाएं, अपने वर्कर भी शामिल करें और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक टीम वर्क की सूरत में चलें, ताकि ये एक मुल्क की सतह पे काम किया जा रहा है, इसमें कोई पार्टी वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए ना नज़र आना चाहिए, ताकि जब किसी की इमदाद हो तो वो ये ना सोचे कि मुझे पीटीआई वालों ने दे दिया, नून वालों ने कुछ नहीं दिया। ये जॉइंटली एक पैगाम जाना चाहिए कि हम सब आज यकजा हैं और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रस्तों के मुताबिक अब चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपकी गुफ्तगू का। जी नाज़रीन, आपने सुना, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी चक्री रोड पे धमियाल कैंप के पास जफ़र इकबाल पैलेस में। आज जफ़र इकबाल साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। बड़ी मुफीद गुफ्तगू आपने इनकी सुनी, मुफीद मशवरे इन्होंने गवर्नमेंट को दिए और बड़े डिप्लोमेटिकली अंदाज में पीटीआई गवर्नमेंट को सजेशंस भी दी, मैसेज भी दिया और उस तरीके से उन पर क्रिटिसाइज भी नहीं किया, और नून लीग गवर्नमेंट को भी उन्होंने उस तरीके से बड़े संभल के और बड़े मुनासिब अंदाज में डिस्कस किया। और यकीनन हमारा यही वतीरा होना चाहिए सियासतदानों को, तनकीद की सियासत से बच के सजेशंस की तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव सियासत करनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।